निकल के आ रहा है। सर आप ये जानना चाहेंगे कि मान लो अब ये तो खांसी जुकाम तो चले रहता है ना, तो कोविड में कैसे होगा और आम जो फ्लू वाला होता है इसमें क्या फर्क है? तो जो कोरोना वाला है उसमें ऐसा है कि उसमें सूखी खांसी होने की ज्यादा चांस है, जबकि फ्लू में जुकाम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस बीमारी को फैलने से रोक कैसे सकते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारी है वो सांस के जरिए, सांस के माध्यम से फैल रही है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है जो आप सबने अभी किया भी हुआ है, वो है मास्क को डालो। ठीक है, अब आप अगर मार्केट में जाओ तो कई बार देखते हैं लोग जो हैं कई बार उन्होंने मास्क पाया नहीं होता है ना, या फिर मास्क आधा से डालते हैं, नाक छोड़ देते हैं ताकि वो वायरस अंदर चला जाए। तो मास्क को भी ढंग से पाना चाहिए। हमारा मास्क इस तरह होना चाहिए कि नाक भी कवर हो जाए और मुंह भी। ठीक है, और मास्क को पाने से पहले अपने हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, और जो अंदर का हिस्सा है मास्क का उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका ये जो कपड़े का मास्क है या सर्जिकल मास्क है जो भी आप डालते हैं, तो ये ध्यान रखें कि पहले हाथ धो लें और अंदर के हिस्से में कहीं भी टच ना करें और उसको बड़े आराम से अपने बांध। मास्क पाने से ये फायदा है कि ये बीमारी फैलने से हम रोक सकते हैं। दूसरी चीज समझनी पड़ेगी हमारे को, जिसको हम कहते हैं कफ एटिकेट्स, कि खांसी करनी कैसे। खांसी तो आएगी, छींक, जैसे छींक तो आएगी आएगी, उसको थोड़ी रोक सकते हैं। अचानक मुझे छींक आ जाए तो वो तो रोक नहीं सकता मैं, और खांसी भी आ सकती है। तो कैसे वो करना है उसको बोलते हैं हम कफ एटिकेट्स। तो अगर मान लो मुझे अभी खांसी आ जाती है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मेरे पास एक रुमाल होना चाहिए। तो ये रुमाल है ना, तो जो भी अगर खांसी आती है तो मुझे रुमाल मुंह के आगे रखना चाहिए, छींक आती है तो रुमाल मुंह के आगे रखना चाहिए। पर अगर ऐसा ना हो, रुमाल आपके पास ना हो अचानक, तो आपको क्या करना है कि खांसना है तो बाजू में खांसना है, हाथ में नहीं खांसना है। अगर हाथ में आप खांसते हैं छींकते हैं तो जो भी विषाणु है वो हाथ पे आ जाता है, और फिर आप किसी से हाथ मिलाएंगे या किसी जगह पे टच करेंगे तो वायरस एक से दूसरे इंसान को फैल सकता है। तो अगर खांसी आ भी जाए या छींक आ भी जाए तो यहां पे ऐसे करके देखिए सारे, ऐसे बाजू। ठीक है, तो अगर खांसना या छींकना है भी और अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो आप कैसे करेंगे, इस पे जो बाजू पे खांस या छींक सकते हैं। खुले में तो खांसना और छींकना नहीं है, हमेशा रुमाल रखना है, और अगर आ भी जाए तो फिर बाजू में आप खांस या छींक सकते हैं। इसको बोलते हैं हम कफ एटिकेट्स, कैसे अपने खांसना। तीसरी जरूरी बात है हाथ धोने की। तो आपको फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोते रहने चाहिए।